बिहार में नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ने वाली चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी इस साल असम और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में ताल ठोकेगी। पार्टी ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसके लिए एलजेपी के प्रधान महासचिव अब्दुल खालिक ने औपचारिक घोषणा भी कर दी है। बंगाल में एलजेपी के चुनाव लड़ने को लेकर खालिक ने कहा, लोक जनशक्ति पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल और असम में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। वहीं केंद्र सरकार में एनडीए की सहयोगी लोजपा ने पिछले साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व को नकारते हुए अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया था। हालांकि इससे चिराग पासवान की पार्टी को खासा नुकसान हुआ था और सिर्फ उनको एक ही सीट से संतोष करना पड़ा था।